उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद से खबर है, जहां बीते दिन नशीला पदार्थ खिलाकर युवक के साथ लूट करने वाले चार शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने मामले से अवगत होकर बताया कि बीते दिनों युवक के द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिनको एट थाना पुलिस और SOG टीम के द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। पकड़े गए शातिर लुटेरों में गोंडा और लखनऊ के अपराधी हैं, जिनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। आगे इन अपराधियों के तार और भी ऊपर गिरोह से जुड़े हैं, इसका भी पता पुलिस टीमों के द्वारा लगाया जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार और ATM कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जालौन से संवाददाता अली जावेद की रिपोर्ट। देखिए, थाना 8 की पुलिस ने और SOG और सर्विलांस की टीमों ने मिलकर एक काफी अच्छा गुड वर्क किया है, जिसमें चार अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये चारों अपराधी एक अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं और इन लोगों से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 की शाम को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति से स्विफ्ट डिजायर की नशा खिलाकर लूट हो गई है, जिसमें प्रकरण ये हुआ था कि इन लोगों ने, इसमें से तीन व्यक्तियों ने कानपुर नगर से स्विफ्ट डिजायर कार को बुक किया था उरई जाने के लिए, और इन्होंने बीच में कालपी में उस व्यक्ति को चाय, ड्राइवर को चाय पिलाई, चाय को पिला के नशे की गोलियां खिला दी उसमें, साथ ही साथ मिला के और उसे बेहोश करके पिछले सीट पर डाल के ये लोग उसको 8 से आगे आटा और 8 टोल क्रॉस करने के बाद आगे जाकर इन्होंने उस व्यक्ति को फेंक दिया था और उसके बाद वो टैक्सी लेकर फरार हो गए थे। इसी संबंध में इन सभी की गिरफ्तारी हुई है और जब इनसे पूछताछ की गई है तो इनसे ये पता चला है कि ये काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये लोग गोंडा, इसमें दो व्यक्ति गोंडा के रहने वाले हैं, गोंडा से भी जेल से छूटे हैं, कुछ व्यक्ति इसमें से लखनऊ से हैं, काकोरी थाने से जेल गए हुए हैं और इनके अन्य आपराधिक इतिहासों का पता किया जा रहा है। और इसमें से एक संभवतः पहले पुलिस मुठभेड़ में भी पकड़ा गया था, तो एक काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं और इन अपराधियों की गिरफ्तारी कर इनको जेल भेजा गया। सर, पुलिस को सफलता किस तरीके से मिली? देखिए, इसमें जब इन्होंने जो है सफलता इसमें हासिल करने के पीछे हमारी टेक्निकल टीम और हमारी थाने की टीम का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि टेक्निक्स क्या थी वो बताना अपराधियों के सामने उचित नहीं है, इस तरह से जाहिर नहीं कर सकते हैं, बट काफी मेहनत किया गया और काफी जल्दी 2 दिन के अंदर में इन अपराधियों को गिरफ्तार किया। सर, क्या क्या बरामद किए गया? इन लोगों के पास से जो लूट में गई हुई कार, मोबाइल फोन, ATM कार्ड, मोबाइल इत्यादि इत्यादि चीजें बरामद की गई। सर, ग्रुप में और लोग भी हैं? अभी इनके अन्य शातिर अपराधियों, चूंकि ये शातिर अपराधियों का गिरोह है, काफी बड़ा इनका नेटवर्क है और गोंडा के रहने वाले हैं, लखनऊ के हैं, उसमें धौलपुर का भी व्यक्ति है, तो इनके अन्य साथियों का भी पता किया जा रहा है और संभवतः अन्य साथियों की भी जानकारी करते हुए इनके पूरे गैंग के खिलाफ गैंग पंजीकरण किया जाएगा, गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और अगर इनकी संपत्तियां भी निकलती है तो उनका भी जब्तीकरण किया जाएगा। थैंक यू।